आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सोने जा रहे हैं और नींद एक प्रकार की मृत्यु है। कितने लोग सोने के बाद उठते नहीं हैं, इसीलिए ये रात हमारे लिए नाजुक है। अपने आप को हम प्रभु को अर्पित करें, आंखें बंद कीजिए। इस सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और आने वाली इस रात के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, विशेष करके हमारे परिवार के लिए। परिवार के एक एक सदस्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उन सदस्यों के लिए जो हमें प्रेम देते हैं, जो उन सदस्यों के लिए जो हमें प्रेम नहीं देते उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सबको ही तेरा वरदान है, तूने हमें आज के दिन काम करने के लिए शक्ति दी, ऊर्जा दी, जीने के लिए प्रोत्साहन दिया, सांत्वना देकर हमारी हृदय और आत्मा को तूने उत्तेजित किया। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं उन सारे क्षणों के लिए जब हमने अपने में साहस का अनुभव किया। धन्यवाद देते हैं उन क्षणों के लिए जब हमें चोटें खानी पड़ी। ए करुणामय पिता, इस समय हम तेरे सामने अपने सारे अपराधों और पापों को रखते हैं, हमें क्षमा करना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में जिस तरह वो नाकेदार मंदिर में सिर को लटकाकर, हृदय छाती को पीट पीट कर ये बोल रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हम भी समय कहना चाहते हैं ईश्वर हम पापी पर दया कर। हमने अलग अलग प्रकार के पाप किए हैं, पवित्रता के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने इंद्रियों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, हमारी कटु बोली के द्वारा, हमारी गंदी दृष्टि के द्वारा, हमारे अलग अलग प्रकार की बुरे कार्यों के द्वारा हमने अपने आप को प्रदूषित किया है। हमें शुद्ध करना पिता। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम पर अपने पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें हर प्रकार की देव दूषण से शुद्ध करूंगा। शुद्ध करना पिता, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना। इस समय हम तेरे हाथ में सब कुछ को समर्पित करते हैं। हम समर्पित करते हैं अपने घर बार को, परिवार के सदस्यों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परिवार में जितने लोग रोगी हैं और दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे काम काज को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, खेत खलिहान को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे दयालु पिता, संरक्षण देना, संरक्षण देना। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि तू हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। हम इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें अच्छी नींद प्रदान कर, कल का दिन हमारे लिए आनंद का दिन बने। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। दयालु पिता, करुणामय पिता, धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। प्रभु ने आशीर्वाद देना, तेरा सानिध्य उनके साथ बना रहे, रात भर वे तेरे सानिध्य में सो सके और कल का दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।